हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट टाइम का रूटीन। सो अब आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है और मुझे हुआ था बेबी बॉय। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा नाइट में क्या रूटीन रहता है बेबी के साथ में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो अभी रात के बज रहे हैं 11। वैसे तो बेबी के साथ में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो पूरी पूरी रात ही जगाते हैं, 3-4 महीने ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे पूरी रात का ही रूटीन रहता है, बट मैं आपसे जो इनिशियली जो मेरा रूटीन रहता है ना वो शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं रोज़ मेरा काम होता है ये जो चीज़ें हैं ना वो समेटना, क्योंकि सारे दिन में जेंस है ना, जेंस की गाड़ियाँ खिलौने सारे बेड पर ही रहते हैं। इस कमरे में ही टीवी लगा हुआ है तो वो टीवी देखता है और यहाँ पे खेलता रहता है। तो बेड पे रोज़ मुझे ऐसे ही बेडशीट झाड़ने से पहले सारा सामान हटाना पड़ता है। तो इसमें उसकी गाड़ी, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट ली है, उसको मैं अच्छे से झाड़ूंगी। और देखो बेडशीट मैंने हटा दिया सारा सामान, और ये रिमोट था ना टीवी का वो उसी में रह गया। और ये देखो उसके अंजर पंजर सब ढीले हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि चल रहा था, बहुत तेज़ आवाज़ आई थी इसकी गिरने की, तो कोई बात नहीं, चलो उसको मैंने लगा दिया है, सेल वेल डाल दिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर जो बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ी थी वही मैं बिछा दूँगी। और ये बेडशीट हर तीसरे दिन, दो दिन के बाद हर तीसरे दिन मैं धुलती रहती हूँ, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कभी कभी बेबी को ना शीट के अलावा बेड पे भी लिटा देती हूँ, तो सुसु वगैरह बेड पे भी हो जाता है कभी कभी। तो वैसे तो मैं हमेशा यही रखती हूँ कि शीट उसके नीचे हमेशा रखती हूँ, बट कभी कभी हम बेबी को गोद में ले लेते हैं और ऐसे ही लिटा देते हैं ना बेड पे, तो वो सुसु ज़रूर कर देता है। और बच्चे तो छोटे हैं, छोटे बच्चे जो पोटी सुसु उनका 10-12 बार होता ही है दिन में, तो यही लगा रहता है। तो बस अच्छे से यहाँ पे बेडशीट में बिछा दूँगी, तकिए वगैरह रख लूँगी। इस कमरे में मैं, मम्मी, जियांस और छोटा बेबी मेरा सोते हैं, तो हम चारों बेड पे आराम से लेट जाते हैं, क्योंकि जियांस है ना मेरे बिना सोता नहीं है। तो मैं उसको एक तरफ सुलाती हूँ और बेबी की साइड, बेबी को एक तरफ, क्योंकि दोनों को मैं एक जगह नहीं लिटा सकती। फिर जियांस है ना सारा बेड चाहिए उसको, और वो ना सोते वक्त ना बहुत ज़्यादा अल्टी पल्टी मारता है तो डर लगता है बेबी के लिए, तो मैं मम्मी के साइड उसको लिटा देती हूँ। बस बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा दिए मैंने। उसके बाद ये शीट है, तो मैंने कई सारी शीट ली हुई हैं अलग अलग तरह की, रबड़ वाली भी है, ये तौलिए वाली भी है, तो यहाँ पे मैंने एक ही निकाली हुई है ये, तो इसको अच्छे से बिछा दूँगी मैं। और ये देखो शैतान जियांस भी आ गया है बेड पर। तो यहाँ पे वीडियो मैं शूट करी थी ना, तो उसको लगता है कि मैं भी कुछ करूँ, क्योंकि अब उसको समझ आने लगा है कि मम्मी क्या करती है। तो वो कभी कभी ना ट्राईपोर्ड में कैमरा भी लगा के देखता है, मेरा फ़ोन भी लगा के देखता है। तो यहाँ पे ना वो मुझसे कुछ पूछ रहा था, तो मैं उसको भी जवाब दे रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो रोज़ का रूटीन तो नहीं है मेरा बेबी को तेल लगाने का, बट हाँ तीसरे दिन मैं लगाती हूँ, क्योंकि इसको ना थोड़े दिन पहले रैशेज़ हो गए थे रेड वाले, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी इसको। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि आप इसकी ना गरम तेल से मसाज मत करो, मतलब जो भी तेल होते हैं ना, सरसों का हो गया है, आजकल तो मस्टर्ड ऑयल भी आ रहे हैं बेबी के, वो कम उसके होते हैं थोड़े स्मेल के, फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं होती उसमें इतनी, बेबी के हिसाब से बने होते हैं, लेकिन फिर भी उससे एलर्जी होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अब तो 3-4 दिन से बारिश हो रही है तो थोड़ा मौसम ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आप मालिश ही ज़्यादा करना चाहते हो बच्चे की तो आप नारियल का तेल यूज़ करें, तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये नारियल का तेल मंगाया था। अदरवाइज़ इसके लिए जॉनसन्स बेबी का मसाज ऑयल लाया हुआ है, उससे मैं इसकी मसाज कर रही थी। तो बस हर तीसरे दिन मैं मसाज कर देती हूँ और हर तीसरे दिन ही मैं इसको नहला भी रही हूँ। मैं डेली नहीं नहला रही क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है आजकल, बारिश हो रही है, कभी ठंडा हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो मौसम के हिसाब से ही मैं यहाँ पर अपने बेबी की केयर कर रही हूँ, यहाँ पर तेल वगैरह लगाना, नहलाना। तो बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैंने अच्छे से तो यहाँ पर करी नहीं है, अच्छे से होती भी नहीं है, बस वही 5-7 मिनट की मसाज होते हैं, क्योंकि हम बेबी को ना अच्छे से मसाज कर भी नहीं सकते, अभी बहुत सॉफ्ट है उसकी हड्डी भी, स्किन भी, हर चीज़। तो बस हल्के हाथों से मैं यहाँ पर रब कर रही थी। और ये देखो जेंस मेरे आगे आके बैठ गया है, मैं इसको बता रही हूँ कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के आगे नहीं आना, और वो देखो कैमरे में देख के, और ये देखो ये गिरता पड़ता ही रहता है, मतलब इतनी शैतानी आ गई ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये ना बेबी को अभी एक्सेप्ट करने लगा है कि हाँ ये मेरा भाई है, पहले ना ये इसके पास भी नहीं आता था,
मतलब दूर दूर रहता था और ना मेरे से भी दूरी बना ली थी जियांस ने थोड़ी, लेकिन बाद में इसको समझ आने लगा कि हाँ ये तो हमारे पास ही रहेगा अभी, तो इसको इतना समझ आने लगा है जियांस को, तो अभी इसे ना किस वगैरह भी करता है ये, और ऐसे अपनी भाषा में ना नू 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 ऐसे करके खिलाता भी है। तो ये ना इसको अब मैं यहाँ पे मालिश कर रही हूँ थोड़ी सी हाथ की, मैंने आपको बस दिखाया है जस्ट कि यहाँ पे मालिश कर रही हूँ। और कुछ दिन से ना मैं इसको डायपर लगा रही हूँ क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा सुसू करता है बेबी, और ठंडा मौसम होता है तो आपको पता ही है बेबी बहुत ज़्यादा सुसू करते हैं। तो यहाँ पे ना रात को हमेशा मैं जब भी देखती थी ना इसको, जब ये आवाज़ लगाता था चीची करता था मतलब, तो मतलब कि मैं देखती थी कि गीला ही हो रखा है, तो मम्मी ने ना यहाँ पे बोला कि इसको डायपर लगा दे कम से कम ये आराम से सो तो पाएगा, क्योंकि हर बार रात को उठ के इसका डायपर चेंज करना, ऊपर से मेरी भी एक दो घंटे की जो नींद होती थी वो भी ख़राब हो जाती थी। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ दिन से डायपर ही लगा रही हूँ। बाकी तो मैंने इसकी नैपीज, आप मेरे व्लॉग्स देखते होगे तो आपको पता होगा मैंने इसकी काफ़ी सारी नैपी मंगाई हुई हैं। 10 का सेट एक मंगवाया था, फिर 10 का सेट मंगवाया था, क्योंकि ये जो 20 नैपी है ना इसकी, ये भी कम पड़ जाती हैं जब ये सुसु और पोटी करता है, तो मतलब फिर डायपर का तो बड़ा सहारा है रात में। तो मैं यहाँ पे न्यू बॉर्न लिटिल एंजल के डायपर्स ले आई थी, पूरा पैक ही ले आई थी, आप देख सकते हो साइड में रखे हैं। तो फ़िलहाल तो मैं, अब मौसम जैसे गर्मी होने लगी है तो मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि इसको ना मैं नैपी ही लगाऊँ, डायपर अवॉइड ही करूँ, तो यहाँ पे मैं आज नैपी ही लगा रही हूँ इसको, देख सकते हैं आप इसको। और जैसे ही मैं इसको लगाऊंगी ना ये सुसु कर देगा। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी तो मम्मी इसको खिला रही थी कि क्या देख रहा है, ऐसी मम्मी अपनी इससे खूब बातें कर रही थी। और फिर देखा मम्मी ने आई, यहाँ तो वीडियो लग रही है, तो इसको फिर मम्मी पीछे हट गई और इसको अच्छे से मैंने लगा दिया था। उसके बाद इसने इसी नैपी में सुसु कर दिया था उसी वक्त, तो ये दोबारा से फिर से मैंने चेंज करी थी। थोड़ा सा मैंने सिर में मसाज कर दिया है, सिर में मैं तेल कम ही लगा रही हूँ आजकल। तो ये देखो जियांस ना मुझसे मांगता है, मम्मी दे दो ऐसे करके मांगता है वो। देखो मुझसे कह रहा है कि मुझे दे दो, बट वही है ना इसको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस वही नाइट का रूटीन है कि रात को इसकी मसाज करनी है, अच्छे से कपड़े झाड़ने हैं, धुली हुई सारी इसकी जो भी है, ये दरी है ये मैं हटा दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये शीट ना गीली होती है और हर तीसरे दिन, तो आपको मैंने बताया इसके कपड़े धुलते ही हैं, हर दो दिन में मैंने इतनी सारी इसकी शीट्स हैं दरियाँ जिन्हें बोलते हैं वो कर ली है, मम्मी ने सिल सिल के दे दी हैं कि मुझे हर दूसरे दिन मैं धुल देती हूँ, मतलब इतनी है कि चल जाती है धुली भी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसका बिस्तर लगा दिया है, राई का तकिया रख दिया है जो कि मम्मी ने ही बनाया है स्पेशली इसके लिए, राई का तकिया सिर गोल रखने के लिए। तो मैं अभी आपसे ना आगे ना ये भी शेयर करूँगी कि डिलीवरी के बाद, घर आने के बाद मुझे किन किन चीज़ों की सख्त ज़रूरत पड़ी बेबी के साथ में, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है। प्लीज़ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। ये देखो, और मैं रात का ना इंतज़ाम कर रही हूँ, यहाँ पे दुनिया भर की नैपी आई है, ये मैंने साइड में ही सिरहाने में ही रख ली है अपने, और ये तौलिया डाल दिया, ये कॉटन का ही है, थोड़ा सा मोटा है तो ये सही रहता है उठाने के लिए। और ये देखो वो सोने की कंडीशन में है, और बस मैं भी यहाँ पे सोने ही जा रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं रात को ना थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ, सांसा ले लेती हूँ, बट वो मुझे दिखाना याद नहीं रहा क्योंकि हर चीज़ याद नहीं रहती, वो मैंने पहले ही ले लिया था। तो आप कहोगे तो मैं दिखा दूँगी और भी अलग से वीडियो में, और मैं जियांस को भी कह रही थी कि यहाँ पे लेट जा, लेकिन नहीं, जब तक मम्मी नहीं आएगी ना वो नहीं लेटेगा। और बस माँ बेटा का हो गया था यहाँ पे नाइट का टाइम, मतलब सोने का टाइम, और हम लोग सो गए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।